अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मेरे प्यारे भाइयों, इस दुनिया में रहकर हम सबको अल्लाह का बंदा बनकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि हम मेरे भाइयों इसीलिए पैदा हुए हैं ताकि हम अल्लाह के हुक्मों पर चलें और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपने अंदर उतारें, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीक़े अल्लाह की तरफ से लेकर आए हैं उन तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करें। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है और हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और हम क्यों आए हैं, इसका जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में ख़ुद बयान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ़ मेरी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने बंदों को अपना हुक्म पूरा करने के लिए पैदा किया है, और ज़मीन और आसमान के दरमियान जितने असबाब भी दिए हैं वो सब हमारी मदद के लिए दिए हैं कि इन तमाम असबाब से राहत लो, अपनी ज़रूरतों को पूरा करो और हुक्म को पूरा करो। असबाब सिर्फ इसलिए दिए हैं ताकि हम हुक्म पूरा करें। जी हाँ मेरे भाइयों, असबाब सिर्फ इसलिए दिए हैं ताकि हुक्म पूरा करने में सहूलत और मदद मिले। असबाब इसलिए नहीं दिए कि हम असबाब में लगकर हुक्मों ही को भूल जाएं। अल्लाह जल्ल शानहू ने हमारी ज़रूरतों के लिए असबाब पैदा फरमाए हैं, और इन असबाब से अल्लाह हमारी ज़रूरतें पूरी फरमाते हैं। मेरे भाइयों, इंसानों की हयात के लिए जिस तरह आसमान से पाक और साफ़ पानी उतारा, ऐसे ही हमारी कामयाबी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना दीन और अहकामात उतारे हैं। जिनकी ज़िंदगी का ताल्लुक अल्लाह के हुक्मों के साथ होगा वो कामयाब होगा, और जिनकी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों के बग़ैर कटेगी वो नामुराद होगा। जिस तरह कोई आदमी असबाब इख्तियार ना करे, मसलन खाना पीना छोड़ दे, तो वो हलाक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने उसके गुजारे के लिए असबाब पैदा किए हैं। जिस तरह इन असबाब के बग़ैर आम तौर पर हलाकत हो जाती है, ऐसे ही मेरे दोस्तों अल्लाह के हुक्मों के बग़ैर यकीनी तौर पर नाकामी हो जाती है, और उन नाकामियों से बचाने के लिए अल्लाह ने अपना दीन उतारा और अपने बंदों को उसकी तरफ दावत भी दी है कि जिस तरह अपने गुजारे की फ़िक्र करते हो इसी तरह अपनी कामयाबी की भी फ़िक्र करो। गुजारे के दिन थोड़े हैं और कामयाबी का ज़माना बड़ा लंबा है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह जल्ल शानहू कामयाबी मौत के वक्त ज़ाहिर करेंगे, क्योंकि कामयाबी का ज़ुहूर वहीं से होगा। यहाँ तो गुजारा ही गुजारा है, आदमी गुज़रता चला जाएगा। सर्दी भी गुजरेगी, गर्मी भी गुजरेगी, दिन भी गुजरेगा, रात भी गुजरेगी, थोड़े असबाब में भी गुजरेगी, ज़्यादा असबाब में भी गुजरेगी, क्योंकि गुजारा ही गुजारा है। मेरे प्यारे भाइयों, कामयाबी सबको नहीं मिलेगी, और जिनको कामयाबी नहीं मिलेगी वो धोखा खाएगा, और जिनको कामयाबी मिलेगी वो खुश हो जाएगा। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन्नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में पहुंचा दिया गया वो हुआ कामयाब। बाकी दुनिया का मसला तो मेरे दोस्तों धोखे की बात है। अमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, वक्त गुजरेगा तो धोखा भी खुल जाएगा, जब तक गुजरेगा नहीं धोखा नहीं खुलेगा। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाया करते थे, अभी तो लोग सो रहे हैं लेकिन जब मरेंगे तो जाग जाएंगे। पहले ही से ये सबक समझाया गया कि असबाब से ना तरक्की है और ना कामयाबी है। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी तालीम और होती है। इंसानियत जैसे जैसे बढ़ती गई उनकी तालीम में भी इजाफा होता गया, क्योंकि दुनिया तरक्की करेगी अपने असबाब के लिहाज से, तो दीन को भी मेरे भाइयों तरक्की करते दिखाया। आज जबकि आखिरी ज़माना आ गया और दुनिया तरक्की कर रही है, तो दीन भी आखिरी दर्जे का दिया, जो हर हाल में कामयाबी का पूरा पूरा ज़ामिन है। इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी।
अब ये आखिरी किताब है और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। लेकिन सबकी बुनियाद वही है कि कामयाबियाँ अल्लाह के हुक्मों के रास्ते से मिलेगी, दूसरा कोई रास्ता कामयाबी के लिए नहीं है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका ख़ुलासा ये है कि जो इल्म और हिदायत देकर अल्लाह ने मुझे भेजा है उसकी मिसाल बारिश के पानी की तरह है। जैसे बारिश का पानी साफ़ सुथरा पाक और हयात लाने वाला है कि बारिश का पानी जहाँ पड़ेगा कुछ ना कुछ उग जाएगा, समंदर के पानी से कोई चीज़ नहीं उगती। ऐसे ही मेरे भाइयों, जो हिदायत देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, अगर ये नहीं है तो हलाकत यकीनी है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारी हिदायत के लिए कलमा और कलमे की तफसीर के लिए कुरान पाक और कुरान पाक की तफसीर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अल्लाह जल्ला शानहू ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया हुदल्लिल मुत्तकीन, कि कुरान शरीफ हिदायत है अल्लाह से डरने वालों के लिए, और ये कुरान हिदायत है सारे आलम के इंसानों के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के रहबर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहबर कुरान शरीफ है, कि जब भी कोई बात अटकी ऊपर से हुक्म आया और कुरान शरीफ ने रास्ता बता दिया कि आप ये कीजिए ये कीजिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, कुरान शरीफ हिदायत है और हिदायत का पूरा सामान कुरान में है। इसलिए कहा जाता है कि क्या करना है वो कुरान में देखो और कैसे करना है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देख लो, वरना भटक जाओगे और जो भटक गया वो मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। इसलिए हिदायत की फ़िक्र सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए, अपने मुतअल्लिकीन के लिए, अपने माहौल के लिए और सारे आलम के लिए, क्योंकि आखिरत में दो में से एक ठिकाना हो जाएगा, या तो वो जहन्नुम में जाएगा या फिर जन्नत में जाएगा। जन्नत कामयाबी और जहन्नुम नाकामी है। सिर्फ मौत तक और क़यामत तक इंसान को दुनिया में रहना है। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया में जितने भी असबाब हैं इनका ताल्लुक गुज़र इनसे होगा, यानी इसके ज़रिए से गुज़र बसर होगा, इसमें रहेंगे, इनसे फ़ायदा उठाते रहेंगे। कामयाबी का कोई ताल्लुक मेरे भाइयों इनसे नहीं है। कामयाबी का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह के अहकाम से है। दुनिया के इस साजो सामान की वजह से मेरे दोस्तों, अल्लाह के बंदे दो किस्म के हो जाएंगे। पहली किस्म तो वो है जो इन असबाब के अंदर से कामयाबी हासिल करेगी हुक्म पूरा करके, और एक किस्म धोखा खाने वाली है कि जिसने असबाब से फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाने में अपनी कामयाबी समझी। ये यकीन ख़राब करेंगे, अमल ख़राब करेंगे, जज्बात ख़राब करेंगे और अल्लाह का और उसके बंदों का हक मारेंगे, बल्कि अपनी ज़ात का भी हक मारेंगे। और जब ये हक मारने वाले बन जाएंगे तो फिर इन असबाब से कामयाबी नहीं मिलेगी, बल्कि ये असबाब इनके लिए दोज़ख के सामान बनेंगे। वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, के दुनियावी ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं, सिर्फ धोखे का सामान है। दुनिया धोखे का सामान इसलिए बनती है कि इसका नफ़ा सामने है और नुकसान गैब में है। जैसे मछली को खाना नज़र आता है, जाल नज़र नहीं आती, परिंदे को दाना नज़र आता है, जाल नज़र नहीं आती, इसी तरह इंसान बातिल के नफ़े को देखता है, अपनी हलाकत को नहीं जानता। वक्ती तौर पर फ़ायदा होगा और अंजाम के एतबार से हलाकत होगी। इसलिए गैब के यकीन की दावत है कि जब गैब का यकीन होगा तो ईमान वाला यानी यकीन वाला अपने यकीन की नज़र से इस हलाकत को अपनी आँखों के सामने गोया देख रहा है। बिल्कुल इसी तरह समझो मेरे भाइयों कि दीन का और हक का नुकसान सामने है और नफ़ा गैब में है। इसलिए आदमी हक पर चलने से घबराता है और डरता है, क्योंकि नफ़ा सामने आया नहीं और रुकावटें सामने आती है। हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हक़ की इब्तिदा नागवारियों से होती है और इंतहा कामयाबियों से होती है। तो जब हक को अपने दिल में लेंगे और लेकर चलेंगे तो नागवारी पेश आएगी, नुकसान होगा और नुकसान का खौफ होगा, ये तय और मुमकिन बात है। लेकिन खुदा का हुक्म पूरा करने की वजह से जो नुकसान होगा वो नुकसान नहीं है बल्कि कुर्बानी है। नुकसान वो है जिसका कोई फ़ायदा लौट कर ना आए। हक के रास्ते में जो नुकसान आएगा वो बड़ा मुआवजा लेने के लिए है। इसलिए मेरे भाइयों, नागवारियाँ जो आती हैं वो इलाज के लिए आती हैं। जैसे बीमारी का इलाज के दवा कड़वी है, परहेज़ है कि पहले दुश्वारी फिर उसके बाद आसानी। इन्नमा अल उसरी यूसरा,
बेशक मौजूदा मुश्किलात के साथ साथ आसानी आने वाली है, इसलिए मेहनत करके अपने अंदर इसके हक़ होने का यकीन पैदा करना है कि दीन हक़ है और दीन पर जो अल्लाह के फ़ैसले होंगे वो भी हक़ है। जब मेहनत होगी तो इसका यकीन उतरेगा। इस मेहनत में इतना चलना है मेरे भाइयों कि वो मदद आ जाए, जैसे इतना कुआं खोदना कि पानी निकल आए, पहले मिट्टी आएगी फिर आखिर में पानी आएगा। ये ख़ज़ाना है अल्लाह का, इसमें मशीन लगाओ कुछ भी करो उस ख़ज़ाने तक पहुंच गए, इसलिए इस काम के साथ मेहनत लगा दी गई। और वो मेहनत ये है कि आदमी जी के खिलाफ अल्लाह के हुक्मों पर आए, क्योंकि इस मेहनत की रुकावटें आदमी की जी की चाहत होती है। आदमी का जी और आदमी का नफ्स चूँकि मादे से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए मादे की हर चीज़ की तरफ उसका जी जाएगा और लगेगा। तो दीन का तकाजा ये है मेरे भाइयों कि अपने जी की चाहत के ख़िलाफ़ अल्लाह जल्ला शानहु का हुक्म पूरा किया जाए। जब जी की चाहत के ख़िलाफ़ अल्लाह के अहकाम पूरे होंगे तो जी की चाहतें और नफ्स की ख्वाहिशें क़ुरबान होंगी, और ये जितनी क़ुरबान होंगी उतना नूर अंदर में बनता चला जाएगा। जैसे ईंधन जलाते हैं तो आग रोशन होती है, इसी तरह ख्वाहिशें क़ुरबान करेंगे तो अंदर में हिदायत का और तक़वे का नूर पैदा होगा। ख्वाहिशें क़ुरबान करनी पड़ेंगी, हाजतें क़ुरबान नहीं होती, हाजत तो पैदा होती हैं और उसे पूरा भी किया जाएगा, लेकिन आम तौर पर हाजतें एतदाल पर नहीं रहती, इसलिए इसमें ख्वाहिशें घिस जाती हैं। इसलिए शरीयत आती है और बतलाती है कि यहाँ तक ठीक है, आगे नाजायज़ है। जैसे तबीब उसूल बताएंगे कि यहाँ तक खाना ठीक है, आगे सेहत के लिए ख़राब है, मुज़िर है, तो ऐसे ही दीन आता है, शरीयत आती है, वरना लोग गुलू करेंगे या हाजात को पामाल करेंगे। और जब हाजात को पामाल करेंगे तो दीन में तंगी आएगी, और तंगी अल्लाह ने दीन में रखी नहीं है। वमा जाल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, इसलिए किसी हाजत को पूरा करने की मुमानियत नहीं होगी। हाजत को पूरा करने के तरीके बताए जाएंगे, इसलिए नबी भेजे जाते हैं कि कोई आगे ना बढ़े और ना पीछे रहे। नबी बतलाएँगे कि कौन सा काम करना है, कैसे करना है और किस नियत से करना है, ताकि उसका अमल दीन बने। जो बंदा ख्वाहिशों को क़ुरबान करके अल्लाह के हुक्मों को पूरा करेगा वो अल्लाह का मुखलिस बंदा बन जाएगा। कुरान शरीफ अल्लाह के फ़ैसले की किताब है, इसमें सब फ़ैसले हैं कि यूं होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, इसके खिलाफ नहीं होगा, इसके कलिमात में तब्दीली नहीं होगी। हम आखरत वाले हैं, अगर हमारी आखरत बिगड़ती है तो हम अपनी दुनिया को लात मारेंगे। जिनकी कोशिशें आखरत से हटी तो वो नाकाम होगा, न उनकी इबादत काम देगी, न उनकी सखावत और शहादत काम देगी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिदायत और जो अहकाम अल्लाह की तरफ से लाए वो हक़ है और सच है, बस इसका यकीन पैदा किया जाए। क्योंकि मेरे दोस्तों, जो चीज़ हक़ होती है उसका भी एक हक़ होता है, जब उसका हक़ अदा करेंगे तो वो चीज़ नफ़ा दिखाएगी। दीन हमारी कामयाबी के लिए दिया है, इससे दुनिया की बरकतें भी दी जाएंगी और आखरत की कामयाबी भी दी जाएगी, और इन दोनों बातों को हासिल करने के लिए हिदायत भी दी जाएगी। इसलिए अल्लाह के वादों का यकीन करना है ताकि कामयाबी तक पहुंचने में कोई चीज़ आड़े ना आ जाए। कामयाबी मेरे दोस्तों अल्लाह ने दीन में रखी है, और नाकामी बेदीनी में रखी है, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो कामयाबी और नाकामी आती है वो एकदम से नहीं आती है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आती है। जिस तरह बचपना ख़त्म किया आहिस्ता आहिस्ता, फिर उसके बाद जवानी लाए आहिस्ता आहिस्ता, फिर जवानी ख़त्म करके बुढ़ापा लाए आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जो दीन पर नहीं चल रहा है वो ये ना समझे कि अभी कुछ नहीं हो रहा, जो चाहे करो, जैसे चाहे वैसे करो, क्योंकि मेरे दोस्तों नाकामी जो आती है वो आहिस्ता आहिस्ता आती है। बस इसी में धोखा लगता है कि मौका देते हैं पलटने का, तौबा करने का। जब इंसान कमज़ोर हो जाता है तो नफ्स उसका कवी हो जाता है और इंसान गुनाहों की तरफ चल पड़ता है, फिर नमाज नहीं पढ़ता, हालांकि उसे मालूम है कि नमाज फ़र्ज़ है। जब मुसलमान हक़ समझकर भी गुनाह में पड़ेगा तो अल्लाह उनको दुनिया में नकद मुसीबत दिखाएंगे। जैसे डॉक्टर कहता है कि परहेज़ करो, अगर नहीं किया तो फौरन नुकसान नज़र आएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, जो लोग अल्लाह को भूलकर और उसके हुक्मों को तोड़कर और आखरत से बेफिक्र होकर ज़िंदगी गुजारते हैं तो अल्लाह जल्ला शानहु ख़ुद उनकी जान से बेपरवाह बना देते हैं। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ
فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ کہ تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ کے احکام سے بے پرواہی کی سو اللہ نے خود ان کی جانوں سے ان کو بے پرواہ کر دیا۔ تو جو اللہ کو بھول جائیں گے ان کو یہ سزا ملے گی کہ یہ سب سے پہلے اپنا آپ کو بھول جائیں گے کہ میری کامیابی کس میں ہے، کہ میری ناکامی کس میں ہے، سزا کس میں ہے، انعام کس میں ہے، اپنے ہی مسئلے کو بھول جائیں گے۔ جب یہ اپنی مصلحت کو اور اپنے نفع نقصان کو بھول جائے گا اور چلے گا تو اللہ اس کو چلنے دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی بات بھی سامنے لاتے ہیں کہ یہ حق ہے یہ ناحق ہے، مگر وہ اپنی غفلت میں چل رہا ہوتا ہے اور شیطان اس کی چیزوں کو اس کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ جو تم کرتے ہو وہی ٹھیک ہے، دوسروں کی غلط ہے۔ جو بات دعوت دے کر نصیحت کر کے ان تک پہنچتی ہے، جب وہ اس کو نہیں لیتے تو پھر ان کو راہ پر لانے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ لانا تو ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کسی کے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے کہ یہ ہلاک ہو جائے یا کوئی برباد ہو جائے، اس لیے پریشانیاں پیدا کی جاتی ہیں، اور سب سے پہلے پریشانیوں کو ان کے دلوں میں ڈالیں گے۔ اب دل پریشان ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اندر پریشانیاں پیدا کی گئی۔ اب دلوں کو چین نہیں ہے، دلوں کا چین کھینچ لیا گیا، جس طرح روح کھینچ لی جاتی ہے۔ اسی طرح جب دلوں میں سے اللہ کی یاد ختم ہو جاتی ہے تو اس کا چین بھی ختم کر دیا جاتا ہے کہ انہیں چین نہیں ملے گا۔ جیسے کوئی آدمی لاش کے پاس بیٹھے، اس کو چین ملے گا کہ نہیں؟ لاش کے پاس بیٹھو گے تو دل گھبراتا ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، ایک لاش ہی تو ہے، مگر چین و سکون کے اسباب میں سے نہیں ہے۔ تو جب دل اللہ کی یاد سے، اللہ کے تعلق سے بے خبر ہو گیا تو یہ لاش ہے، اندر سے اصل چیز نکل گئی۔ اندر پریشانیاں بھریں گے ناکام بنانے کے لیے، تاکہ پلٹ جائے، اگر پلٹ گیا تو کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن حکموں پر نہ چلنے کی وجہ سے اس کی عقل ماری جاتی ہے، تو عقل بھی صحیح مشورہ نہیں دے گی، کیونکہ اب عقل کے اوپر حوث غالب ہو جاتی ہے۔ آدمی کی حوث عقل پر چھا جاتی ہے، جس طرح بادل چھا جاتے ہیں، ایسے ہی میرے دوستو پریشانی میں پھنستے ہیں، ان کی عقل صحیح رہبری ان کو نہیں دے گی، تو وہ اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے گناہوں کا راستہ اختیار کریں گے کہ میری پریشانی ختم ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ اپنی پریشانیوں کا علاج اپنے گناہوں کے راستے سے کریں گے تو اللہ ان کی پریشانی ختم نہیں کریں گے، بلکہ ان کی پریشانیوں کو نئی شکل دی جائے گی۔ کہ اب دل کی پریشانی کو جن اسباب میں یہ زندگی گزار رہا ہے اس میں ڈالیں گے، پھر بھی اگر یہ نہیں پلٹتا تو اللہ مخلوق کو اس کے ساتھ بد اخلاق بنا دیں گے کہ اب بیٹے بھی پریشان کریں گے، بیوی بھی پریشان کرے گی، پڑوسی بھی پریشان کریں گے۔ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ پلٹ جائے، جیسے بکریوں کے پیچھے کتا لگا دیا کہ بکریاں مالک کے پاس آ جائیں گی۔ اللہ میں بڑی طاقت ہے کہ مخلوق کو پیچھے لگا دیں گے۔ ابھی جنت جہنم نہیں آئی، وہ تو بعد میں ہے، دوزخ میں جانا تو آخری ناکامی ہے، اس کے بعد کوئی اپیل نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آدمی پہلے غافل بنتا ہے، پھر باغی بنتا ہے، اور باغی بن کر ہلاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ انسان توبہ کر لے اور یہ سمجھے کہ اوپر سے کوئی اور کرنے والا ہے، اللہ اپنی قدرت سمجھا رہے ہیں، اور جب توبہ کر لے تو حالات صحیح ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنا اور اللہ کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق کا معاملہ صحیح فرما دیں گے۔ ایک ہی قاعدہ ہے زندگی گزارنے کا، جو طریقہ آخرت میں کامیاب کر دے گا وہ دنیا میں بھی سکون دلائے گا، اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ وہاں پھنسا دے گا وہ یہاں بھی مصیبتوں میں پھنسا دے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا معاملہ اللہ سے صحیح بنا لو، ایمان بنا کر، عبادت بنا کر، اخلاق بنا کر، ماحول بنا کر۔ اسباب اور حالات کو میرے دوستو اللہ نے امتحان کے لیے بنائے ہیں، اس لیے بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی بچپن آیا، کبھی جوانی آئی، کبھی بڑھاپا آیا، کبھی بیماری آئی، کبھی تندرستی آئی، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی تنگی، کبھی فراخی آئی، حال بدلتا رہتا ہے، لیکن احکام نہیں بدلیں گے، کامیابی کا راستہ نہیں بدلے گا۔ پہلے حالات پیدا ہوتے ہیں، پھر حکم آتا ہے۔ اب آدمی امتحان میں آ گیا، اگر حکم توڑا تو پھر اور زیادہ امتحان میں ڈالا جائے گا۔ جب آدمی اپنے اسباب میں اور حالات میں حکموں والا رہے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اگر حکم چھوٹ گئے تو کوئی سبب، کوئی حال کامیابی نہیں دلا سکتا۔ اس لیے حال ٹھیک کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ دین بنانے سے کام بنے گا۔ جب دین ہے
और असबाब नहीं है तो कामयाब है, और अगर दीन नहीं है तो फिर असबाब के होते हुए भी नाकाम है। और जब दीन नहीं रहेगा तो ख्वाहिशें रह जाएगी, उसका कोई रहबर नहीं, नफ्स रहबर बना हुआ है, उसका नफ्स तकाजा करता रहेगा और असबाब से ख्वाहिशें पूरी करेगा, हुकूक अदा नहीं करेगा, जो अल्लाह के अहकाम हैं वो पूरे नहीं करेगा, और जब हुक्म पूरा नहीं करेगा तो अल्लाह की कुदरत उसके ख़िलाफ़ हो जाएगी और इंसान नाकाम हो जाएगा। इसी तरह मेरे दोस्तों, कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में है, मुसीबतें और राहतें अल्लाह के हाथ में हैं। जो चीज़ जहाँ से मिल रही है वो उसमें बनती नहीं है, सिर्फ निकल रही हैं, ज़ाहिर हो रही हैं, लेकिन आती किसी और जगह से है। ज़मीन अल्लाह के ख़जाने को ज़ाहिर करने के लिए है, ये बनाती नहीं है, बनाने वाला तो अल्लाह है। जो चीज़ अल्लाह की कुदरत से बनकर आ रही है उसका नफ़ा और नुकसान भी अल्लाह अपनी कुदरत से देंगे। ये अल्लाह का कानून है कि जिस हाल में और जिन असबाब के अंदर हम हैं उसमें रहकर अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा तो अल्लाह बरकतें खींच लेंगे। असबाब नहीं छीनते, बरकतें खींच लेंगे। जैसे करंट खींच लिया कि पंखा लाइट सब कुछ है लेकिन करंट नहीं है। जैसे जिस्म चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन अगर उसके अंदर जान नहीं है तो ये फेल है। इसी तरह अल्लाह शक्लों को फेल कर देंगे, बरकतें ख़त्म और ज़रूरतें बढ़ा दी जाएंगी। अब इंसान की परेशानी बढ़ जाएगी, हालांकि इसने अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा था अपने हालात अच्छे बनाने के लिए, लेकिन हुक्मों को तोड़ने की वजह से हालात और बिगड़ गए। जिस तरह चीज़ों के चलाने में अल्लाह ने निज़ाम अपने कंट्रोल में रखा है, आसमान को, ज़मीन को, चांद को, सब को, इसी तरह हमारे हालात को बनाने का कंट्रोल भी अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। आदमी हालात नहीं बनाएगा। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, गरीबी, मालदारी, ये सब किसने बनाई? खाली ज़रूरतों का पूरा हो जाना ये कामयाबी नहीं है। ज़रूरतें तो मेरे दोस्तों पूरी होंगी लेकिन फिर से खड़ी हो जाएंगी। जैसे भूख लगी, खाना खाया, फिर से भूख लगेगी। खाना खा लिया तो कामयाब और भूख लगी तो नाकाम। कपड़े बना लिए तो कामयाब और पुराने हो गए तो नाकाम। ज़रूरतें तो पूरी होंगी मगर फिर खड़ी हो जाएंगी, और ये तो जानवर भी पूरी करते हैं, हालांकि उनके पास असबाब कोई नहीं है। हाल मेरे दोस्तों इम्तिहान के लिए है और दीन कामयाबी के लिए है। ये तरतीब अल्लाह के नबियों ने बताई है। हाल ठीक करने से काम नहीं होगा बल्कि दीन बनाने से काम बनेगा। कामयाबी अमल के आखिर में आती है, बीच में नहीं आती है। जब तक अमल का कारोबार चलता रहेगा उसको नाकामी कभी नहीं आएगी। जब इसके अमल का दायरा ख़त्म होगा अब इसको अपनी नाकामी नज़र आएगी। इस अंजाम और नतीजे को जानने के लिए गैब का यकीन करना ज़रूरी है। जब गैब का यकीन होगा तो ईमान वाला अपने यकीन की नज़र से इस हालात और अंजाम को गोया अपनी आँखों के सामने देख रहा होगा। अल्लाह जल्ल शानहू ने मेरे दोस्तों हमें अहकामात दिए हैं और इन अहकाम पर अपने वादे भी किए हैं कि मैं ये करूँगा। यानी जितने अच्छे अच्छे हालात आदमी की तमन्ना में रहते हैं उन तमाम अच्छे हालात का अल्लाह जल्ल शानहू पहले ही वादा कर चुका है, हम आपको ये हालात देंगे। जिनकी तुम तमन्ना करते हो उसके लिए दो बातें हैं। एक तो ये है कि बंदों के ज़िम्मे कुछ शर्तें अल्लाह ने कायम फरमाई है, अगर ये शर्तें पूरी होंगी तो हम वादा पूरा करेंगे। जैसे बाज़ार में लेन देन होता है कि कुछ दो और कुछ लो, ऐसे ही अल्लाह से हमारा मामला है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ए अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से इआनत की दरख्वास्त करते हैं, यानी आप ही से मदद चाहते हैं। खुदा की मदद खुदा की इबादत के रास्ते से आएगी, बाकी जो होगा वो गुजारे का होगा। काफिर को भी मिल जाता है लेकिन वो मदद नहीं है। दुनिया में दो रास्ते चलते हैं, एक चीज़ों वाला रास्ता और दूसरा हुक्मों वाला रास्ता। हुक्मों वाला जो रास्ता है वो अल्लाह से कामयाबी लेने का यकीनी रास्ता है। हर चीज़ अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है और अल्लाह की कुदरत हुक्म पूरा करने वालों के साथ है, लिहाजा हुक्म पूरा करने वाले अल्लाह की कुदरत से कामयाब हो जाएंगे। अगर अल्लाह की कुदरत से फ़ायदा उठाना है तो फिर ज़िंदगी को यानी जान और माल को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक इस्तेमाल करना सही यकीन के साथ, इसी का नाम हिदायत है। पहले हिदायत मिलेगी फिर कामयाबी मिलेगी। इंसान जिस हाल में भी है अगर उस हाल में अल्लाह का हुक्म पूरा करेगा तो अल्लाह जल्ल शानहू दुनिया में हुक्मों की बरकतें देंगे और आखिरत में बदला देंगे। दुनिया में हिसाब से देंगे और उसका हिसाब देना पड़ेगा, और आखिरत में फिर बेहिसाब देंगे। मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन,
او انسا وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ہم ان کو بے لطف زندگی عطا کریں گے، اور ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى، جو ہمارے حکم سے اعراض کرے گا ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور قیامت میں اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے، یعنی اس نے ہمارے حکم سے آنکھیں بند کر لی تھی، لہٰذا جو اللہ کے حکم کو پورا کرے گا تو اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہو جائے گی اور وہ ہر حال میں کامیاب ہوگا، اور اگر اللہ کی قدرت ہمارے خلاف ہو گئی تو ہر حال میں ناکام ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، کوشش یہ کریں کہ یہ ساری باتیں ہم اپنے اندر اتار لیں تاکہ ہم دنیا میں رہ کر اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزار سکیں، اور پھر اللہ اپنی قدرت سے ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنی باتیں کہی گئی ہیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔